चलो अभी हम शुरू करते हैं। लॉन्च कंट्रोल तो है नहीं है, अभी उसमें करना बाकी है। तो पीछे गाड़ी नहीं आ रहे है, मैनुअल में है। चलो guys, good morning. This is JP Anthony, the rider from KL. तो आज संडे है, लास्ट संडे में निंजा में था, इस संडे में कार में निकला। तो यूजुअली संडे का मॉर्निंग निंजा के साथ ही होता है, क्योंकि संडे के अलावा वो गाड़ी निकलते नहीं है बाहर। संडे के दिन 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, 10-11 बजे तक वो बाहर रहते हैं, उसके बाद फिर खड़े होते हैं वो। तो इस बार इसलिए नहीं लिया है कि कोविड का सिचुएशन गुजरात में बहुत खराब है, तो सोचा कि बाइक नहीं लेंगे। बाइक चलाते वक्त हेलमेट है और मास्क है, तो उसमें कोविड का इश्यूज तो नहीं आता है। हाँ, जहाँ पे वो खड़े होते हैं या फिर छोटा मोटा गैदरिंग होते हैं तो उसमें दिक्कत है, अदरवाइज बाइक राइडिंग में दिक्कत नहीं होता है। हेलमेट है करके, वो भी एक तरह मास्क ही होते हैं, राइट। तो फिर भी इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे, जहाँ पे मैं रहता हूँ राजकोट में, हॉस्पिटल का फैसिलिटीज बहुत कम है, यानी पूरी भरा हुआ है, और जो लोग कोविड से सफर कर रहे हैं उनके लिए भी बेड नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा कंडीशन में अगर कोई एक्सीडेंट होते हैं तो सारा ऑफिस बिल्डिंग का स्टाफ जो है वो कोविड में बिजी है, तो क्या होते हैं कि एक्सीडेंट भी हो गया और हॉस्पिटल में भी आ गया, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण कुछ और कुछ हो सकता है जो माइनर से फिर वो मेजर हो सकता है, जैसे कि कोविड में भी ऐसे ही हो रहे हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है और वो सीरियस होते जा रहे हैं, क्रिटिकल होके फिर एक्सपायर हो रहे हैं। तो मैंने जो साथ में लोग थे उनको बोला कि यही एक सिचुएशन है, तो फिर फिलहाल राइड नहीं करेंगे। अभी जैसे कि ये रोड है, ये रोड में काफी साइकिल राइडर्स होते थे। ये कौन सा रोड है? ये कालावड़ रोड। इसमें मेनली मॉर्निंग में साइकिल्स होते थे, तो वो भी नहीं है आज के डेट में। एक गड़बड़ किया मैंने, मेरे को हर बार होता है ये। क्या है? क्या ये जंक्शन में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। अपने को जाना है, मैं वही सोच रहा हूँ, हाईवे पे जाना है और मैं दूसरी दिशा में ले लिया है। सो पेट्रोल डाल दिया, पेट्रोल डालने के बाद एक बार क्लिप चेक किया तो समझ में आया कि वो थोड़ा सा ज्यादा शॉर्ट हो गया है, तो अब सेटिंग चेंज करके सुपर वाइड में डाल दिया, GoPro 9 में। आई थिंक ये वाला व्यू बेटर देन बिफोर ऐसा लग रहा है। लेट्स सी। सो सेम रूट, लास्ट वाला सेम रूट में जा रहे हैं, जामनगर हाईवे। वो एक रोड है कि थोड़ा क्रूज कर सकते हैं, और राजकोट में इसको कहते हैं 150 रिंग रोड। है साइकिल वाला, है साइकिल राइडर्स भी है, बहुत कम। कौन सा साइकिल है ये? तुमने वीडियो देखा मेरा? नहीं। ये कौन सा साइकिल है? ये हाइब्रिड है। हाँ। और वो ये वाला
ये वाला ये रोड है। हाईवे पे पहुंच गया लेकिन हाईवे पे ट्रैफिक जाम। आई थिंक एक्सीडेंट ही हो गया है क्योंकि यहाँ पे कैसा कोई जाम होते नहीं है, आगे कोई सिग्नल नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ये एक्सीडेंट। आई थिंक किसी को कुछ हुआ नहीं है, सब सेफ है। अगर सीट बेल्ट पहनती हो तो ऐसा एक्सीडेंट में सेफ ही होता है, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन सीट बेल्ट नहीं है तो ऐसा एक्सीडेंट में इंजरीज हो जाते हैं। गाइस जो भी साइकिल चलाता है तो मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, ये नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे में जैसे ये लोग चला रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली वो जो लाइन है जो कर्व का जो मतलब मीडियन के बाजू वाला जो है वो फास्ट लेन कहते हैं और ये स्लो लेन, देन जो वाइट पट्टा जो कंटिन्यूस आपको दिख रहा है ना वो उसके बाद जो पोर्शन है वो पेव शोल्डर कहते हैं। यूजुअली वो जो पोर्शन है वो बाइक के लिए होते हैं या फिर जो पैदल चलते हैं, पैदल चलूंगा तो जो कच्चा जो शोल्डर उसमें चलना चाहिए, उल्टा चलना चाहिए, यानी इनका फेस इस तरफ होना चाहिए, गाड़ी ऐसा जा रहा है वो इधर से चलना चाहिए, तो और साइकिल भी उसमें जो वाइट पट्टे के उसमें होना चाहिए। अभी इनका साइकिल में क्या मिरर्स भी नहीं है तो इसमें क्या होता है, पीछे से जो गाड़ी आ रहा है उनकी बिल्कुल इसके उस पर इसकी नज़र नहीं है, तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे हम पीछे एक्सीडेंट भी देखा, ऐसा होते हैं, तो ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता है कि साइकिल को इस तरीके से चलाना। तो जो भी चलाएंगे हाईवे में तो वो पेव शोल्डर में चलाना जो वाइट पट्टे में है। सो गाइस एक्चुअली ये हमारा साथ में जो मेरा फ्रेंड है उसका तो इंट्रोडक्शन हुआ नहीं है। हाय ये उत्सव भाई है, ये एज ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और ये भी एक राइडर है, ये भी लद्दाख जाके आया है और बाइक में ही। सो एक दिन हम लोग राइड कर रहे थे तो ये पूछा कि यार इतना काफ़ी राइड तुम भी कर रहे हो तो क्यों नहीं ये व्लॉगिंग क्यों नहीं करते। तो मुझे ऐसा था कि मुझे पता है व्लॉगिंग एक ईजी टास्क नहीं है क्योंकि व्लॉगिंग में क्या है, टाइम देना पड़ता है और रुक रुक के अलग अलग खींचना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, बहुत झंझट है। तो मुझे वो नहीं करना था, मुझे जो राइड है उसको एंजॉय करना था, मुझे राइड में मुझे कोई दूसरा इंट्रैक्शंस नहीं चाहिए था तो मैं नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि यार काफ़ी ऐसा मेमोरीज जा रहे हैं उसको कहीं कैप्चर नहीं हो रहा है, खाली इंस्टाग्राम में कभी रील डाल दिया, कुछ एक दो वीडियो डाल दिए, फोटोज डाल दिए, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। तो एक 5 साल के बाद मैं पीछे पलट के देखूंगा कि क्या किया मैंने, तो मेरे लिए मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। तो YouTube एक सही प्लेटफॉर्म है कि ये मेमोरीज को रखने का, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि इसको चालू करते हैं। और हाँ ये है कि मुझे चालू करने के बाद जो मेरा फ्रेंड्स हैं काफ़ी मुझे सपोर्ट किया है, यानी उनका ओपिनियंस आता है और पॉजिटिव नेगेटिव आता है, ये अच्छा है वो अच्छा है और ये थोड़ा सा करेक्शन करो। इवन ड्रेस में भी लोग बोलते हैं, लास्ट वाला वीडियो में, लास्ट नहीं इसका पहले वाला वीडियो में मैंने चप्पल पहना था तो बोला कि ये चप्पल मत पहनो कि वो थोड़ा सा अलग दिख रहा है, तो ऐसा छोटे मोटे कमेंट्स आते हैं। सो एनीवे थैंक्स टू ऑल कि मैंने चालू तो कर दिया है, तो एक्सपेक्टेशन तो कुछ नहीं है कि बड़ा ब्लॉगर बनना है, कुछ नहीं, मैंने बताया कि मेरा पर्पस क्या है। तो फिर भी अगर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि पता है ना इसमें बहुत मेहनत होती है, इसमें लास्ट वाला मेरा वीडियो 30 मिनट का वीडियो जो है वो निकला था, 2 घंटे में शूटिंग हो गया था लेकिन मेरे को 4-5 घंटा लगा उसको एडिट करने के लिए, तो इसमें मेहनत ज़्यादा है, तो उसके लिए आप लोग सपोर्ट करना। हाँ सपोर्ट भी तभी करो कि आपको वीडियो पसंद आए। हाँ तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो में कुछ तो कंटेंट रहे सो आपको देखने में मज़ा आए, राइट है ना उत्सव भाई, है ना? परफेक्ट क्या है? क्या परफेक्ट है? एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट। आपने जो सोचा है ब्लॉगिंग का वो सब सही है, अभी मतलब ये सब रिकॉर्ड होना चाहिए, आप काफी मेमोरीज मिस कर रहे थे पहले। ओके और काफी कुछ मिस कर दिया अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी दे रहा है, दुरुस्त है।
राइट लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हमने शुरू किया तो कोविड बढ़ गया देखो रोड भी पूरा खाली है, अभी बाइक लेके सब निकलते हैं तो ऐसे ही है। तो मैंने इसको भी बोल रहे हैं कि यू चालू करो, तो इनका भी वही टेंशन है कि मेरे एडिटिंग परफेक्ट होना चाहिए, मैं ऐसा वैसे नहीं करूँगा, तो भी अपना तैयारी में काफी कुछ शूट कर दिया अभी बाकी है, लड़ाक काफी क्लिपिंग्स बाकी है, पड़ा है स्टोर में, बस एक एक अभी उतारने के लिए बोल रहा हूँ मैं। राइट, सो गाइस हो गए हमारे आज के एक शॉर्ट स्पिन हो गया है। सो कुछ सिनेमैटिक शूट्स लिए हैं उत्सव भाई और मानव भाई के हेल्प की वजह से, तो शायद आपको अच्छा लगेगा कार का जो सीन्स है। सो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। सो उसके पहले मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को जो नहीं किया है, और शेयर एंड लाइक प्लीज़। थैंक यू सो मच। I'm in California where it never rains. You and I were fighting and I needed space. Every day is sunny, oh that's what they say. Since I landed here it's raining every day. You and I are stormy too. Wonder if I'm good for you. Are we ignoring the truth? You like to pull me apart. Do you love me? Do you not? Either way, you had me from the start. Maybe the rain will pass soon and leave us with a super blue. Maybe I know it's been a rough June. I hope we make